वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो दो तीन दिन के बाद रीडिंग आ रही है, तो डायरेक्ट चैनल टैग का यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक हेक्सेस कर्सेस की, यानी कि जो लोग भी आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं उसके बारे में, और आपको अवेयर किया जाता है। अगर आपके साथ में अगर आप ये रीडिंग्स देखते हैं तो आपका 18 प्लस होना और मेंटली मानसिक रूप से आपका मैच्योर और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस रीडिंग को देखते हुए और इसके बाद में आप अपने साथ या अपने जीवन में क्या व्यवहार करते हैं उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए सोच समझ के जो भी डिसीजंस लेने हैं लाइफ के लीजिएगा। ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। ऑब्सेसिव एनर्जी मास्किंग क्लियर योर एनर्जी, तो आपको आपकी एनर्जी क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको इनविटेशन देना चाहता है किसी इवेंट का, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का देना चाहता है। ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को ये कार्ड बताता है। तो कोई आपकी खुशियों के अंदर ऑब्सेसिव हो रखा है, या फिर आपकी खुशियों को लेकर कोई इंसान लगातार आपके अंदर एनर्जी हार्वेस्टिंग करना चाहता है, या फिर आपकी एनर्जी में कोई लगातार लीच कर रहा है। ये इंसान आपको किसी ऐसे इवेंट का, ऐसी शादी का, ब्याह का, किसी और चीज़ का इनविटेशन देना चाहता है, या अपने साथ ले जाना चाहता है, या उसमें आपके साथ जाना चाहता है, या आपको उस जगह पहुंचाना चाहता है, क्या चाहती है, जिससे कि आपकी जो खुशियां हैं वो आपके लिए रिवर्स में हो जाएं। क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है या विशेस ग्रांटेड का मैसेज है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, या आपका मन उचटता है आपके साथ लेकिन ये परेशानियाँ हो रही हैं, तो इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप वीडियोस देखें, वीडियोस नहीं आते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप बीच में छोड़ के जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं, तो आपके ऊपर जो लोग इस चैनल पे स्पेल वर्क करते हैं उनका असर हो रहा है, या फिर आपके वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप गाइडेंस सुने उसका असर हो रहा है। तो क्लीन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए। ट्रेनिंग न्यू विच टू मैनिपुलेट यूजिंग योर वर्ड्स और एक्शन, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा ऑब्सेसिव पर्सन है जो कि आपके ही वर्ड्स का और आपके ही एक्शन का यूज़ कर रहा है, और आपको लगातार हार्शली जज कर रहा है ये पर्सन, या करवा रहा है, और या फिर ये इंसान आपको किसी ऐसे इवेंट का, किसी ऐसे फंक्शन का, किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहता है जहाँ पर आपको हार्शली जज किया जाए। ये कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है ये पर्सन, जो कि फैंसी पर्सोना रखता है, यानी कि ये इंसान आपके ही वर्ड्स और एक्शन को यूज़ कर रहा है, यानी कि ये इंसान आपको कॉपी कर रहा है, या इस इंसान को आपकी चीज़ों को कॉपी करने की आदत है मास्किंग का, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है। तो ये इंसान आपकी एनर्जीज में खुद को मास्क कर रहा है, यानी कि खुद को छुपा रहा है, आपकी तरह ये इंसान बातें करता है या करती है। डेफिनेटली कोई एक्स पर्सन आपके लिए, कोई भी एक्स हो सकता है, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स कज़न हो सकता है, हो सकती है मेल या फीमेल कोई भी आपके लिए हो सकता है, तो अपने हिसाब से टर्न करते रहिएगा। मैं मेल के उसमें ही बोलने वाली हूँ। तो यहाँ पे किसी नए पर्सन को ट्रेन किया जा रहा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या आप पे मैजिक करने के लिए, इसलिए इस इवेंट में या फिर किसी जगह पर आपको बुलाने की कोशिश, या आपके साथ जुड़ने की कोशिश, या आपको किसी के साथ जोड़ने की कोशिश, ताकि आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जा सके, या फिर आपको लोग जो हैं हार्शली जज करें, और साथ ही साथ किसी न्यू विच को, यानी कि किसी नए पर्सन को जो कि इन सब चीज़ों के अंदर है, गलत चीज़ों के अंदर, यानी कि दूसरे लोगों की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की एनर्जीज में है, ये इंसान आपकी तरह ही से बात कर रहा है, या आपकी तरह ही बात कर रही है, आपकी तरह ही हाथों के एक्शन कर रही है, बोल रही है, आपके स्टाइल को अपना रही है, आपके लिए आपकी चीज़ों के नोट्स बना रही है, आपकी बालों को, आपके कपड़ों को, आपकी हंसी को, आपके तरीकों को, आपके वर्ड्स को, एग्जैक्टली आपके वर्ड्स को कॉपी कर रही है, ताकि जब कभी आप किसी इनविटेशन आपको किसी जब आप किसी इवेंट में हो, या किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर इस इंसान ने पहले ही अपनी गंदी छवि छोड़ रखी हो, वहाँ पर आपको वैसा ही समझा जाए, यानी कि ये इंसान
आपके वर्ड्स और एक्शन को यूज कर रहा है लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उन पे मैजिक करने के लिए, जिसको डेफिनेटली लोग समझ रहे हैं ये इंसान इसलिए ही ऐसा कर रहा है या कर रही है या करवा रहा है या करवा रही है, जिससे आपको लोग हार्शली जज करें किसी इवेंट में या फिर किसी ना किसी तरह की इस तरह की जगह पे जहाँ पे लोग होते हैं, आपको पब्लिक एम्बेरसमेंट देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, आपकी विशेस को यहाँ पे रिवर्स में करवाने की कोशिश की जा रही है। ये 30+ पर्सन है जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपको इस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है या फिर ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी इवेंट का इनविटेशन आता है तो आपको पहले ही पता है, मैंने बता दिया है कि लोग वहाँ पे क्या करने की कोशिश आप सब कर रहे हैं, और मे बी ये इंसान आपके साथ जाने की कोशिश करे या फिर ये इंसान आपको इस इवेंट का इन्विटेशन देने की कोशिश करे। ये जो भी है, एक इस इंसान की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे ये कोई भी हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास्ट का पर्सन है। पावरफुल पोजिशन, 7 of Wands का कार्ड है यहाँ पर, स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, नो योर सेल्फ मोर। तो डेफिनेटली ये पर्सन जेलस है और टॉक्सिक एनर्जीज में है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है, इसलिए ये आपके खिलाफ या आपकी एनर्जीज में, आपकी लाइफ में चारों तरफ इस तरह की घटनाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि ये आपको दो दिशाओं से, ये चारों दिशाओं से घेर सके। दो तरफा वार ये इंसान आप पे करना चाहता है, या ये जितने भी लोग आपको इस इवेंट में मिलेंगे वो इसी की तरह के होंगे। ठीक है, पावरफुल पोजिशन पर हैं आप, और जो भी आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, यानी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आपके वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो बहुत ही गहरा प्रभाव रखते हैं, इसलिए आपको खुद को और भी ज़्यादा जानने की और समझने की ज़रूरत है, खास तौर से उस वक्त में जब लोग आपके अगेंस्ट जाकर आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें और आपकी एनर्जीज को रोकने की या बाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप स्टेबल जगह पर हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या जानने की ज़रूरत है करेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये रीडिंग छोटी होगी या बड़ी मुझे नहीं पता, ठीक है, वैसे मैं बड़ी ही बना रही हूँ इस रीडिंग को, बाकी सेकंड चैनल पे भी आएगी और इस चैनल पे भी आ सकती है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। हेट यू, आपसे नफरत करते हैं, अनहील्ड हैं, तो ये लोग डेफिनेटली वो हैं, ये लोग वो हैं जो कि अनहील्ड हैं और आपकी हीलिंग से नफरत करते हैं, आपकी हीलिंग प्रोसेस से नफरत करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 2020 से ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। 5 का वैसे भी यहाँ पे कार्ड है, कनेक्ट द डॉट्स, आपको यहाँ पे डॉट्स को डेफिनेटली कनेक्ट करना होगा, या फिर आपने किया है या आपको करना चाहिए। मून मैजिक और मिरर मैजिक, इन पर बैकफायर वाली एनर्जीज हैं, हालांकि हम इसको ले ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कनेक्ट द डॉट का मैसेज आपके लिए। अनबैलेंस्ड लोग हैं और ये आपको अनबैलेंस्ड करना चाहते हैं। वॉन्ट योर हेल्प, मनी, हीलिंग, सपोर्ट, तो आपकी मनी, आपकी हीलिंग, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, इसलिए आपको और भी ज़्यादा अपनी एनर्जीज को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग भी आपकी एनर्जीज में लगातार लीच कर रहे हैं या आपकी तरफ ये ऑब्सेसिव एनर्जी से आपकी हैप्पीनेस को डाउन करने की या आपकी हैप्पीनेस वाली एनर्जीज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग जो स्पेसिफिकली कर रहे हैं ना, ये आपके माइंड का मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपके, आपको वो मेंटल मैनिपुलेशन कर सके, आपके माइंड का मैनिपुलेशन कर सके, जिससे आप अपने बारे में समझ ना पाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। सेज का मैसेज अगेन है आपके लिए, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, तो आप जो हैं बी फियरलेस, आप अपनी एनर्जीज में रहिए, और आपको ऐसे किसी इंसान की मदद करने की ज़रूरत नहीं है जो कि अनबैलेंस्ड हो या अनहील्ड हो, या फिर आपको जिसके साथ रिश्ता रखना ही ना हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या वेट करना चाहते, फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। चलिए जी, दवर को पेरेंट। तो ये जो ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, ये बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जीज में है, और ये आपकी, आपके साथ में, यानी कि आपकी एनर्जीज को लेकर ये इंसान कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ये इंसान आपकी एनर्जीज का अथॉरिटी लेना चाहता है, या ये पर्सन, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बड़ा हो उम्र में, यानी कि क्योंकि यहाँ पे वर्गो पेरेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये वर्गो की एनर्जीज नहीं है, यानी कि ये वर्गो पेरेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो कि केयरिंग होने का और प्रोटेक्टिव होने का दावा करता है या करती है, कि
मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा, या मैं तुम्हें सही तरह से गाइड कर दूंगा, या मैं तुम्हें उस इवेंट में लेके चला जाता हूँ, या मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक्चुअली ये इंसान आपसे ये कहना चाहता है या ये कहना चाहती है कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ या मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये इंसान जो है आपकी बाउंड्रीज को लगातार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इसलिए आपको इसे थोड़ा सा दूर रहना होगा। या फिर ये इंसान करता रहेगा, ये बिहाइंड द सीन चलने वाली, बिहाइंड द मास्क चलने वाली एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड, सेकंड पार्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। द लिब्रा बॉस, तो कोई ऐसा इंसान, आप कोई ऐसा इंसान जिसको ट्रेन किया जा रहा है, ऐसे पर्सन को जो कि जिसमें कि आपके सामने किसी ऐसे इंसान को खड़ा किया जा सके जो कि आपके ही वर्ड्स का, आपके ही एक्शन का आपके ही खिलाफ यूज़ कर सके, या फिर आपके ही चीज़ों को आपकी वीकनेस बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको नीडी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप ज़रूरतमंद हैं, या आपको नीडी दिखाने की कोशिश की जा सकती है। ये टॉक्सिक एक्स है, चाहे ये आपका कोई एक्स पर्सन है, फैमिली मेम्बर हो, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड हो, फ्रेंडनी हो, या फिर कज़न हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई और कोई भी पर्सन हो आपका, आपके लिए ये तो ये वो पर्सन है जो कि प्रिटेंड करने में या फिर मास्क पहनने में बहुत माहिर है, या फिर ये लोगों के सामने जो लगातार है मास्क पहन के रखता है या रखती है। लेकिन ये इंसान आपके शब्दों के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आप ज़रूरतमंद हैं, या फिर आपकी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं या आपके तरीके, आपके एक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर लोग आपकी चीज़ों को सही समझते हैं। ठीक है, एक जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपसे हाथों के द्वारा बात कर रही हूँ, आपसे शब्दों के द्वारा बात कर रही हूँ, ऐसा ही आपका भी कोई व्यक्तित्व हो सकता है, या आपका कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, या आपकी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आप बातें करते हैं, या फिर आप हाथों के द्वारा कोई काम करते हैं। तो आप, आपके एक्शंस में, आप अगर हाथों की बात करें तो आप कोई पाम रीडर हो सकते हैं, कोई रेकी हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आप हो सकते हैं जो लगातार लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर कोई आपकी एनर्जीज पे हावी होने के लिए या हावी करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है या कर रही है जो कि आपको हार्शली जज करें, या फिर जो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाए, आपका बॉस वो बन जाए। थैंक यू सो वेरी मच। द कैंसर लवर, तो आप जो जिस भी एनर्जीज को अभी आप देख रहे हैं, और ये बहुत ही डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज होने के साथ साथ ये वो एनर्जीज हैं जो कि लगातार, जिसके बारे में लगातार आपको पता है, यानी कि आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव लिए हैं आपको क्लियरली पता है कि आप अपने दिल में लोगों के लिए या सिचुएशंस के लिए या किसी किस्से के लिए आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को दूसरे पहलू में ढालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी जो भी पावरफुल पोजीशन है, यानी कि आप जिस भी जगह पे हैं, आपको क्लियरली पता है कि कौन इंसान कहाँ पे क्या कर रहा है या कौन इंसान कहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि आपको जिसके बारे में भी ये पता है कि ये इंसान ये कर रहा है, उस इंसान को भी ये पता है कि आपको पता है कि वो इंसान आपके साथ ये सब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक एक्स या टॉक्सिक जो भी पर्सन है ये, लेकिन ये इंसान आपके साथ जो कुछ भी गलत कर रहा है ये इस भावना से कर रहा है कि तुम्हें पता है तो पता है, ठीक है, तुम्हें पता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, या मैं करता रहूँगा या मैं करती रहूँगी। तो अगर कभी आपके पास में कोई ये कहने आए कि आई एम सॉरी, या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, एक तो ये भी गेम का पार्ट ही है, और दूसरे को कोई अफसोस नहीं है, अफसोस किसी को नहीं है इसमें से आपके साथ कुछ भी गलत करने का। सबने, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, सबने बहती गंगा में अपने हाथ धोए हैं, अपने जो पापों का मैल है सबने आपके ऊपर उतारने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर्थ कार्ड का क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू, इतने कार्ड नहीं देने हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी। द पाइसिस पेरेंट,
क्योंकि आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप नर्चर करते हैं, केयरिंग है, लविंग है, और आपकी हीलिंग से ये जो भी लोग हैं, चाहे ये इस बात को कहें या ना कहें, माने या ना माने, फियरफुल एनर्जीज में हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी को पजेस करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी काम एनर्जीज हैं, या फिर आप अपनी जो अथॉरिटी को क्लेम करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, या आपने जो भी चीज़ें अपने अंदर हील की हैं, आपकी इस हीलिंग को, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग और लविंग का मैसेज है, तो आपकी इस केयरिंग वाली एनर्जीज को, मदर वाली एनर्जीज को, क्योंकि ये भी कप का कार्ड है और यहाँ पर भी पाइसिस की एनर्जीज भी वाटर की एनर्जीज की बात करती हैं, ये उस एनर्जीज से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि आप उस केयरिंग वाली एनर्जीज में, या फिर हीलिंग वाली, नर्चर करने वाली एनर्जीज में क्यों हैं, आप मदरली एनर्जीज में क्यों हैं, आप सभी को नर्चर क्यों करते हैं, या फिर आपके अंदर वो एनर्जीज क्यों हैं जहाँ पे सभी को आपके साथ जुड़ के एक नर्चर होने वाली एनर्जीज महसूस होती हैं। ठीक है, द एक्वेरियस पेरेंट, एनकरेजिंग, इंटरेस्टेड, लिबरेटिंग, तो ये वो लोग हैं डेफिनेटली जो जो सेल्फिश एनर्जीज में आते हैं, या फिर जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वाटर की एनर्जीज हैं इनकी यहाँ पे, एक तो वाटर मैजिक या मून मैजिक आपके लिए हो सकता है, साथ ही साथ वाटर डिटीज का हो सकता है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा हो, और जो भी है आपकी इमोशंस को, आपकी इमोशनल बॉडी या मेंटल बॉडी को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। फर्स्टों का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डेविल की एनर्जीज है, डेविल का कार्ड जो है बात ही करता है ऑब्सेसिव एनर्जीज की या बाइंडिंग की, तो ये जो लोग भी हैं ये लगातार आपके माइंड को कंट्रोल करके आपकी एनर्जीज को लगातार बाइंड करना चाहते हैं, तो आपको जिस भी इवेंट में ये लोग ले जाना चाहते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज में जो कुछ भी ये लोग करना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली आपके आपको ऐसी चीज़ों का प्रलोभन देना जो आपके माइंड को या आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सके, और इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाना कि आपको ये समझ में ना आए कि आपकी खुशियों को डेविल जो है अपने कब्जे में ले रहा है, या फिर जो डेविल है वो आपकी एनर्जीज को लगातार बाइंड करने की या ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली आपकी जो अपना जो आपका प्रोटेक्शन है ना, जिस भी इवेंट में या जिस भी जगह पर आपको इनवाइट करने की कोशिश है ना, वहाँ पर आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह पे नहीं जाना है, तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीवन में डर के रहें कि आप ना किसी से मिले ना किसी आप जगह पे जाएं। अपने दिमाग का यूज़ करना है, साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर करते रहिएगा, अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेज का मैसेज भी है और क्लियर योर एनर्जीज, तो आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में लगातार ये सब चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। और कुछ मामलों में आपके ऊपर हो सकता है किसी तरह का वाटर मैजिक किया जाए, आपको किसी चीज़ में कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश हो, आपकी तरफ ऐसे लोगों के द्वारा आपको जज करवाने की कोशिश हो जो ऑलरेडी अनहील्ड हैं, यानी कि आपके लिए ऐसे लोगों को इस इवेंट में तैयार किया है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप किया गया है, बिट बाय, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए किया जा रहा है, धीरे से इससे बात कर दी, फिर धीरे से उससे बात कर ली, फिर धीरे से उससे बात कर ली कि अरे ये इंसान ऐसा करता था, 10 साल पहले ये इंसान ऐसा था, 20 साल पहले ये इंसान ऐसा था, बचपन में ये इंसान ऐसा था, इसने अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया, इसने अपने पति के साथ ऐसा किया, बच्चों के साथ ऐसा किया, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा किया, इसने अपने ग्रुप में ऐसा किया, या इसका करेक्टर ऐसा है, ना जाने ये इंसान कितनों के साथ सोया है, कितनों के साथ सोई है, या फिर ये इंसान इस तरह का एडिक्शन में है, क्योंकि ये कार्ड एडिक्शन का है। अब ये एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी मेमोरी के अंदर ना घुसकर जीवन की जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे उन लोगों को ही दिखाने की कोशिश है जिन्होंने कभी खुद को ही हील नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को हील नहीं किया है, इसलिए आपने अपने आप को जिन भी चीज़ों से बाहर निकाला है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई एडिक्शन हो, कोई बंधन हो, कोई बाइंडिंग हो, इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उस बाइंडिंग ब्लॉकिंग से अपने आप को बाहर निकाला है, या फिर आप इनके कब्जे से बाहर हैं, इसलिए ये डेफिनेटली आपको वापस उसमें खींचने की जो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके द्वारा ये आपको उसी चीज़ में वापस ले जाना चाहते हैं जिस चीज़ में, जिस एनर्जीज में आप कभी पहले रहे होंगे, इस वाली में जहाँ पर आप लगातार मेंटल ट्रॉमास के अंदर रहें, या फिर आप
जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके लिए ये एक्स पर्सन है, जो भी है, ये इंसान लगातार एक तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को कर रहा है, और ये इंसान मून फेसेस के साथ काम कर रहा है, लेकिन ये इंसान लगातार काम कर रहा है आपके ऊपर या आपकी एनर्जीज के ऊपर। हालांकि ये सारी एनर्जीज बैकफायर्ड है, रिटर्न टू सेंडर हैं, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो जिस भी चीज़ को यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहा है या आपके लिए जो चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली वो इसी की तरफ जाने वाला है या जा रहा है या जाएगा, क्योंकि इस इंसान को ये लगता है कि ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर जैसे आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये लगातार आपकी बातों को सुनने की कोशिश एनर्जेटिक लेवल पे, आपकी एनर्जीज को समझने की कोशिश एनर्जेटिक लेवल पे, आप क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं उन चीज़ों को, ये आपके माइंड से कनेक्ट होकर आपकी लाइफ में कौन आपको ऑफ़र दे रहा है, आप अपने माइंड में क्या बातें चला रहे हैं, या फिर आप किसको ऑफ़र दे रहे हैं, आप किसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप किस जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, किस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, किस हॉबी को आप अपनाना चाहते हैं, बेसिकली टोटल जितना भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उन सब में, उन सबको कहीं ना कहीं देखना और उन सबको कहीं ना कहीं ख़राब करना और उन सब के बारे में बात करना, ये इंसान लगातार आपके माइंड की मैपिंग करने की लगातार कोशिश कर रहा है या इसने की है, या फिर ये लगातार अभी भी इन सब चीज़ों को करते जा रहा है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें, सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंटर करते जानी चाहिए या करती रहनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। सेकेंड रो का वेरिफिकेशन, दो बार यहाँ पे पेरेंट का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पेरेंट भी हो सकता है या पेरेंट फिगर कोई हो सकता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटकल्स का, वैसे अच्छा बीच बीच में कार्ड रिवर्स है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटकल्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि डेफिनेटली आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाने की कोशिश हो सकती है इस इवेंट में, जहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश हो कि ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है, और वो इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई विच है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि मैनिपुलेट करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि मैजिक करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा खुद ही नीडी एनर्जीज में है, जिसको खुद ही हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने ऐसे लोगों को, जैसे मैंने कहा, तैयार करना आपकी एनर्जीज़ के लिए जो अनहील्ड हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप बना लेना जिनको ये खुद ही नहीं पता कि हीलिंग होती क्या है, सिंपल शॉर्ट शब्दों में। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटकल्स का कार्ड डेफिनेटली रिवर्स में है, किंग ऑफ पेंटकल्स का कार्ड अपराइट में होता, तो इसका एक ही मतलब होता है कि इंसान बहुत ही स्टेबल है और ट्रेडिशनल चीज़ों की वैल्यू करता है। लेकिन ये इंसान जो है रिवर्स में है, यानी कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटकल्स रिवर्स में है, और ये जो कार्ड है ये है फाइव ऑफ सोर्ड का, तो यहाँ पे ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, और साथ ही साथ इस इंसान के अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। ये इंसान प्रिटेंड करता है या करती है कि मेरे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान नीडिंग है, नीडी वाली एनर्जीज में है, और ये इंसान अपने अंदर ही कमियां देखता है या देखती है। लेकिन जब ये इंसान आपके सामने आएगा या आएगी, तो ये आपके ही वर्ड्स का, आपके ही एक्शन का रॉक होने के लिए, यानी कि वाह मैं कुछ हूँ, ये आपको दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए आपके ही वर्ड्स, आपके ही एक्शन का यूज़ करेगा या करेगी, या फिर ये इंसान करता रहता है, या फिर ये ऐसा आपका कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर ये इंसान आपकी बातें सुनता है, आपके एक्शन सुनता है, आपके वर्ड सुनता है, उसे नोट करता है, फिर ये इंसान अपने प्लेटफॉर्म पे जाता है और फिर वहाँ जाके ये सब चीज़ों के बारे में बातें करता है या करती है, और लोगों से कहती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, या मेरी ऐसी बात है, मेरी वैसी बात है, या आपके साथ ऐसा है, या आपके साथ वैसा है। यानी कि यहाँ पर आपकी ही चीज़ों को, आपकी ही बातों को भुनाने की कोशिश होती रहती है, आपको ही गिरा कर या आपको मैनिपुलेट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कई बार लोगों को लगेगा कि, कई बार आप लोगों को ये लग सकता है कि इस तरह का हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, इस तरह के हमारे पेरेंट नहीं है, या इस तरह का कोई बॉस नहीं है, लवर नहीं है, कोई एक्स नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन में जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं, यानी कि जो रिश्ते आपको लगता है कि हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो गुण हैं, इनके गुण और अवगुण, यानी कि जो भी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं किसी भी करेक्टर के, मैं आपको वो बता रही हूँ। अब आपकी लाइफ में कौन सा करेक्टर क्या प्ले करता है वो मुझे नहीं पता, इसलिए उस हिसाब से आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपकी लाइफ में आपको मेंटल, फिजिकल, मेडिकल
यानी कि आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी है, शारीरिक या हेल्थ वाइज या फिर कानूनी पैसों से संबंधित, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करती, ठीक है, इसलिए आपको उनसे बात करनी है जो आपको सही राय दे सकते हैं। उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए और उनसे समाधान लीजिए, चाहे आपको लीगल इशू हो चाहे कोई सभी हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर दीपा। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में, तो आपके पास्ट की एनर्जीज डेफिनेटली बहुत ही डिसेप्टिव रही हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है, और टॉक्सिक, जेलस, नॉट कॉन्फिडेंट, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज ऐसी रही हैं आपके पास्ट में। और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी आपको बैलेंस्ड नहीं देख सकते, यानी कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं पास्ट में, आपके बचपन में भी, जो कि डिसेप्टिव है। तो ये आपके लिए, आपका कोई ऐसी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, या हो सकती है, या फिर ये आपकी उस मेमोरी को भुनाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ पर आपके लिए कोई ट्रॉमा हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड मेमोरीज की बात करता है, स्वीट मेमोरीज की बात करता है, जहाँ पर आपके लिए कुछ इनर वॉन्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका कैसा बचपन बीता है ये सबकी अपनी अपनी कहानी पर है। तो आपका कैसा बचपन बीता है, आपने अपने बचपन में क्या देखा है, आपके हार्ट को किस चीज़ ने टच किया है, या आपके लिए कौन सी टची चीज़ें हैं जो कि आपके दिल दिमाग में छाती हैं, या आपके आपके दिल दिमाग पर असर डालती हैं, या फिर आपकी कुछ जो घटनाएं हैं जीवन की वो आपको परेशान करती हैं। तो ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए आपको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आपने उन सब चीज़ों में अपनी हीलिंग की है, इसलिए इन लोगों को ये लगता था या इन लोगों को ये लगता है कि जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ डिसेप्शन किया है वो अभी भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ वही हो जो रिपीट ये वही आपके साथ चीज़ें हों जो कि पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि आपको खींच कर वापस उसी जगह पर ले जाया जा सके जो कि अनहील होती है। क्योंकि ये वो है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम तुम्हें नहीं देख सकते आगे बढ़ते हुए, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे, यानी कि ये ऐसे लोग हैं। इनको आपकी जैसी सब चीज़ें चाहिए, इसलिए आपके वर्ड्स और एक्शन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर बिना मेहनत किए। जैसे मैंने कई रीडिंग्स में आपको ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कुछ रीडिंग्स में पहले भी आया था अभी भी है, कि ऐसे इंसान को तैयार करना जो कि आपको इमोशनली आपकी तरह बातें कर सके, या आपकी तरह प्रिटेंड कर सके, चाहे ये मेल हो या फीमेल, या फिर कोई ऐसा पार्टनर दिखाना कि आपको लगे कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है या कर सकती है, लेकिन आपकी तरह ये इंसान बातें करे और आपको ऐसी जगह या ऐसी दिशा में भेजा जा सके या भेजने की कोशिश है जो कि आपके लिए सही नहीं हो। तो कई बार आपको, जैसे मैं कह रही थी कि कई बार आपको ये लग सकता है कि अरे ऐसा रिश्ता तो हमारे है नहीं, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा रिश्ता भी नहीं है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग भी आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं, या जो लोग कलेक्टिव में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक दो लोग नहीं हैं, बहुत लोग बैठे हैं जिनके साथ यही सब चीज़ें हो रही हैं, ब्लैक मैजिक की भरमार हो गई है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर इस डेविल ने, यानी कि जो भी काली शक्तियों को कह लीजिए हैंडल करता है, उसका मुखिया कह लीजिए, उसने ऐसे लोगों को तैयार किया है जो कि ऐसे लोगों पर वार करते हैं जो कि आपके आसपास के अनहील लोग हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी हीलिंग नहीं की है, जो स्टेबल नहीं है, साथ ही साथ जिन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया है, जो अपने शैडो साइड से आते हैं, जो इमोशनली बैलेंस नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते, यानी कि उनके अंदर टॉक्सिक एनर्जी अभी भी है और वो उस चीज़ पर काम भी नहीं करना चाहते, बिना मेहनत की सब चीज़ें पा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्हीं के जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, या फिर उन्हीं की वो जो चीज़ें हैं, वो घटनाएँ हैं, वो बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको इतना बढ़ा दिया है कि वो लोग चाहकर भी, कई लोग चाहकर भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। आपने हमने मेहनत कर ली है वो बातें अलग है, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते वो उस जगह पे हैं जब वो आपको जज करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड भी रिवर्स में। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड अगर रिवर्स में है तो ये तो और भी खराब है, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड अगर
अपराइट में होता है, यानी कि सीधा होता है, तो ये उस इंसान की बात करता है जो बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, यानी कि बहुत सोच समझ कर काम करने वाला पर्सन, अच्छे और बुरे को समझने वाला और सही निर्णय लेने वाला अथॉरिटेटिव पर्सन, यानी कि अथॉरिटी में कोई पर्सन। यहाँ पे वैसे भी पेरेंट का कार्ड है। ये जो भी इंसान है, क्योंकि यूनिवर्स में है, ये आपकी हीलिंग से नफरत करता है या करती है, तो आपके लिए कोई पेरेंट या पेरेंट फिगर हो सकता है जिसको आपकी हीलिंग या आपका काम रहना या आपकी एनर्जीज ना तो पसंद आती हैं और ना ही मुझे जो समझ में आ रहा है किसे समझ भी नहीं आती हैं कि आप जैसे हैं आप वैसे क्यों हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं तो आप क्यों करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं तो आप क्यों करते हैं। इनकी एक वजह नहीं है आपसे नफरत करने की या आपकी हीलिंग से नफरत करने की, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल फिज़िकल सोशल इश्यूज़ हैं इस इंसान को आपके साथ में, ठीक है। अब ये पेरेंट है आपका कोई, जिसको आपकी सोशल लाइफ से, आपके फाइनेंस से, मे बी इस इंसान को देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। द टावर का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में, लेकिन एक्चुअली फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है और भी ख़राब हो जाता है कई मामलों में, लेकिन फिर भी ये आपको इस चीज़ की संतुष्टि देता है कि आप कई सिचुएशन से निकल रहे हैं। यहाँ पे ये वो इंसान है जिस इंसान को आपने लगातार इस बात की प्रेरणा दी कि अपने आप को लैक वाली एनर्जी से कैसे बाहर निकालना है, यानी कि लैक आपको कैसे नहीं सोचना है। आपने इस इंसान को इस चीज़ की प्रेरणा या इस चीज़ के लिए आपने इस इंसान को ज्ञान जो है मुझे समझ में आ रहा है बहुत दिया है, लेकिन ये जो भी इंसान है इसको इस ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही इस इंसान को आपके साथ में कोई लगाव है, ठीक। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये टोटली अननोन पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको मेंटली ट्रैप करना चाहता है, या फिर आपकी हीलिंग से इसे बहुत ज़्यादा नफरत है क्योंकि इसने पास्ट में आपको अपनी एनर्जीज में ट्रैप कर रखा था। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान हो सकता है जो कि आपके ऊपर रिमोट वोइंग करता रहा है, और ये डेफिनेटली मेल ही है। मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि ये इंसान रिमोट वोइंग करता है, ये इंसान वही है, ठीक है। ये इंसान वही है आपके लिए जो आपके ऊपर लगातार रिमोट वोइंग करता है, और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का दावा करता है या करती है, और साथ ही साथ वैसे आप में से कुछ लोगों के लिए मेल ही है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का दावा करता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान के पास बुकिश नॉलेज हो, या ये इंसान अकेले में बुक पढ़ना बहुत पसंद करता हो या करती हो, इसकी एनर्जीज ऐसे हो सकती हैं। तो ये इंसान बहुत ही जो इसकी मेंटेलिटी है उसके अंदर बहुत लैक है, और इसी वजह से कभी ना कभी आपकी मेंटेलिटी पर इसने ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है पास्ट में, और इसने उसके द्वारा यानी कि आपको मानसिक रूप से इसने प्रताड़ित कर आपके लाइफ में इसने टावर मोमेंट लेकर आया है ये इंसान, या फिर इस इंसान ने आपको वो अकेलेपन की एनर्जीज या फिर वो एनर्जीज दी हैं जहाँ पर आपको ये महसूस हुआ कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता या नहीं करेगा। मून मैजिक और मिरर मैजिक ऑलरेडी यहाँ रिवर्स में ही है, तो इस इंसान ने हर उस एनर्जी का यूज़ किया है जो कि आपको गिराने के लिए कर सकता था या कर सकती थी। यहाँ पर डेफिनेटली दो मेल तो हैं ही, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि प्रोफेशनल है और कोई ऐसा इंसान जो कि आपका फैमिली मेम्बर है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपका पेरेंट फिगर है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक इस कार्ड को मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने शफल कर लिया था इसलिए। वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये इंसान, तो ये इंसान आपसे अपने अंदर इन्वेस्ट करवाना चाहता है अपनी एनर्जीज में ताकि ये आपको डाउन कर सके। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल, आपको सेज करनी चाहिए या आपने सेज करी है तो अच्छा है, नहीं तो अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा। बेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन एक्स को वर्कर फ्रेंड फैमिली मेम्बर बॉन्ड एंड ऑलरेडी कट, डेफिनेटली कोई ना कोई हो सकता है, ये आपके दो तीन जो लोग हैं ये मिलके काम कर रहे हैं, कोई टीचर इनको सिखा रहा है, किसी न्यू विच को ट्रेन कर रहा है, कोई फ्रेंड या एक्स टॉक्सिक पर्सन आपका एक्स टीचर भी आपके लिए हो सकता है, कोई एक्स पेरेंट को पेरेंट्स के साथ मिलकर, किसी एक्स पार्टनर के साथ मिलकर आपके साथ बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट का कार्ड यहाँ दो बार है। कन्फ्यूजन स्पेस सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड वट इज़ हैपनिंग विद यू और फॉर यू।
तो ये वो ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं जो कि आपको किसी ऐसी इवेंट का इनविटेशन देना चाहते हैं और उसमें आपके ऊपर ऐसा कन्फ्यूजन स्पेल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपनी एनर्जीज को क्लीन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये वो इंसान है जो कि आपको इतना रिजेक्ट करवा देना चाहता है या रिजेक्ट करवा देना चाहती है कि आप किसी नए पर्सन से मिलने से, बात करने से या फिर उसके साथ रिश्ता बनाने में कंफ्यूज रहें कि इस इंसान से मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस इंसान के साथ मुझे कोई जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आप सबकी जो सिचुएशन है उसमें अलग अलग से ये चीज़ें काम करेंगी। आपको दो बार यहाँ, दो तीन बार यहाँ पे कहा गया है कि अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, तो अपने माइंड को भी क्लीन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मेंटल मैनिपुलेशन चल रहा है। तो अगर आपको किसी तरह का फियर होता है उसको रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। किसी तरह का आपको डर लगता है या फिर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से आप रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों में अपनी लाइफ के लिए, या आप गलत सोच रहे हैं, तो वहाँ से हट के फौरन अफर्मेशन पे जाइएगा किसी अच्छी पे। If you love someone, you don't do magic on them. Nobody want to be your puppet. तो यहाँ पे कोई आपका ex toxic ex person ऐसा है, चाहे फैमिली वाला है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई एक्स है, जो कि जिस इंसान के साथ में, जो इंसान ये दावा करता है कि वो आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपके लिए ऐसा कर रहा है, या इस इंसान ने ये झूठ बोला है कि ये इंसान आपके साथ प्यार करता है, या ये इंसान लोगों को ये दिखाता है कि देखो मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे इसकी बहुत केयर है, चाहे कोई भी इंसान है, दिखावटी है ये इंसान, इसलिए ये दिखावा करता है लोगों के साथ में, लेकिन ये आपको अपना पपेट बना के रखना चाहता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ जो भी मैजिक किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ले जाया जा सके जहाँ पर आपको पपेट बनाया जा सके, या फिर आपकी एनर्जीज, आपकी हीलिंग, आपकी मनी को और आपके सपोर्ट को यूज़ करके आपको पपेट बनाकर आपकी सब चीज़ों को यूज़ कर लिया जाए, या आपके द्वारा जो आपकी पावरफुल पोजीशन है, चाहे आपकी कोई सी भी पावरफुल पोजीशन है, घर में है, बाहर है, आप काम करते हैं, जो भी है, उस स्टेबल एनर्जीज़ के अंदर आपकी एनर्जीज़ का यूज़ करके आपको थ्रो किया जा सके या आपको बाइंड करके किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा सके। ये इंसान आपसे, मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा था, आपको शिद्दत की जो हद होती है ना, शिद्दत की हद तक ये इंसान आपसे नफरत करता है। इस इंसान को आपकी बर्बादी ही चाहिए। ये क्लियरली ये एनर्जीज हैं कि ये इंसान आपको बसते हुए नहीं देख सकता। ये आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको कोई सिबलिंग भी है, यानी कि कोई फैमिली मेंबर भी है। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हियर। ओके, तो आप उस पावरफुल पोजीशन में हैं, तो आपकी जो एनर्जीज है ना बहुत ही क्लियर हैं। ये आपके आपसे किसी बिजनेस में या किसी हीलिंग में, किसी चीज़ में ऐसा सपोर्ट करवाना चाहते हैं जहाँ से, क्योंकि आपके वर्ड्स को और आपके एक्शंस को यूज़ कर रहे हैं किसी, या करवाया जा रहा है और आपके बारे में ही झूठ फैलाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप हैं वो इंसान जो ये चीज़ें गलत करते हैं, या आप गलत कर रहे हैं, या पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ ये सब चीज़ें करने की कोशिश की हैं, लेकिन चूंकि आप स्टेबल हैं इसलिए आपके ऊपर ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, या ये इंसान लगातार इसलिए ही आपके ऊपर ये सब चीज़ें लगातार अब भी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको आपकी हीलिंग से नफरत है। इस इंसान को आपसे बेहद नफरत है, इसलिए ये आपके ऊपर, चाहे वो सेक्स रिचुअल हो, मून मैजिक हो, कोई और मैजिक हो, कन्फ्यूजन स्पेल हो, पुलिस की चीज़ें हों, यानी कि ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल रियाम्स में भी बहुत चीज़ें ये इंसान कर रहा है और फिजिकल रियाम में भी बहुत चीज़ें कर रहा है। तो डेफिनेटली ये आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर, यानी कि इस इंसान के साथ में आपकी दांत खाई रोटी हो सकती है, यानी कि इस इंसान के साथ में डेफिनेटली एक टाइम पीरियड में आपने खाना शेयर किया है अपना, ठीक है। अभी कोई भी है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है या जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टैरो कार्ड रीडिंग्स डन ऑन यू, हाइडिंग रियल फैक्ट्स, फॉल्स रीडिंग। तो इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाई हैं उस रीडिंग के अंदर, एक्चुअली ये जो भी मास्टर मैनिपुलेटर है कोई यहाँ पर, ये इंसान जो भी है, ये अपने जीवन, ये ऐसे लोगों को भी यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है जो अपने जीवन के लिए अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके ऊपर जो टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाई गई हैं,
उस रीडिंग में इस इंसान को ये समझ में आया है कि आप हील हो चुके हैं, लेकिन इसी इंसान को ये जिसने भी टैरो कार्ड रीडिंग की है उसको पता है कि आप हील हो चुके हैं, लेकिन उस इंसान को अपने लिए ब्रेड कमाना था या अपने लिए नोटों का नंबर बढ़ाना था या अपने लिए पैसे बढ़ाने थे या पैसे बनाने थे, कुछ भी कह लीजिए। उस इंसान ने इस इंसान को जो भी गाइड किया है उसने ये गाइड किया कि आप बहुत ही अनस्टेबल हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। कुछ लोगों ने जो कि यहाँ पे आपके लिए रीडिंग की है उस इंसान ने ये रियल फैक्ट्स छुपाए हैं इससे कि आप अपनी जो स्टेबल जगह है आप उसमें हैं और आप इस अनहील जगह से बाहर निकल आए हैं। कुछ मामलों में ये इंसान लगातार आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को लगातार आपकी एनर्जीज में ये डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता है या करती रहती है। ये इंसान इसलिए भी आपके बारे में जानना चाहता है लगातार जो आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहा है या करवा रही है कि आपके जीवन में आने जो एग्जैक्ट टाइम है आने का किसी का या फिर किसी बड़ी चीज़ का या फिर आपकी अबेंडेंस का या पैसों का या किसी प्रोजेक्ट का, किसी जॉब का, किसी रिश्ते का, वो क्या है। ये इंसान साइड में, जैसे आप मेन रोड पे चल रहे हैं तो ये इंसान फुटपाथ पे चल रहा है, ये आपके साथ साथ वॉक कर रहा है आपकी एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच। ये वैसा है कि वॉक करते करते ये आपके साथ उस जगह तक पहुंचे जहाँ पे पहुंचना है और फिर वहाँ पहुंचते ही आपको वहाँ से धक्का मार के, लात मार के हटा दे और खुद उस जगह पे खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, मैं तो पहले ही कहा था ये सब चीज़ें बैकफायर हैं, आप लगातार अपग्रेड कर रहे थे या आप करते रहेंगे और आपने अपग्रेड किया है इन लोगों के मैनिपुलेशन से या फिर इन लोगों की ऑब्सेसिव एनर्जी से, और आप भी कर लेंगे या आप कर रहे हैं या आपको करना चाहिए। अपनी क्लियर चॉइसेस बनाइए, इसलिए जब भी आप लो लेवल वाइब्रेशन से सोचने लगे, बोलने लगे, करने लगे तो रुक जाना है। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ईश्वर आपसे बहुत खुश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। They don't want you to be in healthy mind body situation cursing you. तो आपको लगातार कर्स किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपकी हीलिंग से ना खुश हैं ये इंसान, इसलिए आपने खुद को कैसे हील किया या फिर आप कैसी हीलिंग, अपनी हीलिंग होने का प्रिटेंड करते हैं, इस चीज़ के बारे में र्यूमर्स, लाइज आपके बारे में फैलाए जा रहे हैं। और कुछ मामलों में आपको जिस भी जगह पे ले जाने की कोशिश है वहाँ पे, जैसे मैंने कहा, ऐसे ही लोग हैं जो कि अनहील्ड हैं, तो आपके बारे में पहले ही आपके वर्ड्स और एक्शन को यूज़ करके आपके बारे में लगातार उन बातों की अफवाहें फैला देना या टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा उन चीज़ों को जानना, फिर उन चीज़ों को लेकर अफवाहें फैलाना और आपको कर्स करना ताकि आप हेल्दी माइंड बॉडी और सिचुएशन में ना रहें, साथ ही साथ आपके ऊपर मैजिक करना। तो आपको कर्स कर रहे हैं लगातार, जब भी आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स में या आपकी लाइफ के बारे में अच्छा सुनते हैं तो आपको कर्स करते हैं, इसलिए आपके ऊपर लगातार कन्फ्यूजन स्पेल भेजे जा रहे हैं ताकि आप अपनी दिशा से भटक जाएं, या फिर अगर आपको ये समझ में आता है कि आपका नॉर्थ नोड क्या है या आपका सोल पर्पस क्या है, आप उससे भटक जाएं या फिर आप उसे छोड़ के किसी और ही दिशा में निकल जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए सीख लेते हैं। टैरो रीडर स्पेल कास्टर सेम फ्रीक्वेंसी वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, ये स्पेल कास्टर भी, जो इसलिए ही, जैसे हमने लास्ट रीडिंग्स में भी देखा है कि इसलिए ही उसने फैक्ट्स छुपाए इस पर्सन से ताकि आपके ऊपर वो ये सब चीज़ें कर सके, आपके आइडिया और वर्क को चुरा सके। जैसे मैंने पहले ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे किसी वर्ड्स को और एक्शंस को, वर्ड्स को सुनना, एक्शन को नोट करना और जाके फिर अपने प्लेटफॉर्म पे या अपनी जगह पर उन्हीं चीज़ों को दोहराना, उन्हीं चीज़ों को बोलना। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो लोगों के सामने वो सारी चीज़ें बोलना, उन अनहील्ड लोगों के सामने वो चीज़ें बोलना जहाँ पे आप खुद को महात्मा सिद्ध कर सको, यानी कि कुछ बड़ा सिद्ध कर सको कि हमने तो कुछ बड़ा पा लिया है क्योंकि हम हील हैं अंदर से, लेकिन एक्चुअली आप अनबैलेंस्ड हैं, आप अनहील्ड हैं और आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं उनकी एनर्जीज में ऑब्सेसिव होकर। स्टे मोटिवेटेड, यू आर योर ऑन गुरु एट दिस टाइम। आप अपने गुरु खुद ही हैं और अपने आपको मोटिवेट रखने का काम आपको खुद ही करना होगा। सीक्रेट स्पेल्स मैनिपुलेशन वियरिंग मास्क विद यू कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहला ही मैसेज आपका है मास्किंग का। ये इंसान, इस इंसान को आपकी एनर्जीज को छोड़ना ही होगा। ये इंसान कितना भी आपकी एनर्जीज में लीच करने की, उसके साथ अटैच रहने की, आपको मैनिपुलेट करने की, उस पर हावी होने की कोशिश कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरकार है, आखिरकार का रिजल्ट यही है कि इस इंसान को आपके एनर्जीज को छोड़कर जाना ही होगा क्योंकि इस इंसान के सारे रास्ते आगे के ब्लॉक हैं। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू आर रेडी फॉर मोर। तो आप आगे बढ़ने के लिए या और चीज़ें पाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। या किंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए।
चार ही कार्ड लेने थे, चार ही कार्ड लेने चले। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, तो आपको एंजल साइन भेज रहे हैं और आप अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कि अगर आपका ध्यान बटा हुआ है, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, आपको गाइड किया जाएगा। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह ही है। पेशेंस रखिए, फेथ बनाए रखिए अपने एंजल्स में, उनकी जितनी भी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, जो भी आप चाहते हैं आपके लिए अच्छा ही होगा। लेट इट गो, आपको ये सिचुएशन अब सर्व नहीं करती, यानी कि इस सिचुएशन में आप स्टक नहीं हैं, आप ऑलरेडी पावरफुल पोजीशन और स्टेबल जगह पर हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल को ये अलाउ कीजिए, उन्हें अनुमति दीजिए कि जो भी आपके पास्ट के लोग या पास्ट से आपको लगातार जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कॉर्ड्स एनर्जी वाली जो कॉर्ड्स हैं, जो तारे जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं, उनको कट कर दिया जाए और आप ताकि अपनी फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सकें। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। तो आपके ऊपर जितनी भी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है वो लगातार रिटर्न टू सेंडर हो ही रही है। बी द रियल यू अगेन मैसेज है आपके लिए। आप जब सच्चे होते हैं तभी आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने लिए सच्चे रहें, ये चाहते हैं कि आपको ऐसी किसी एनर्जीज, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी मैरिज, किसी पार्टनरशिप में फंसाया जा सके जहाँ पर आपके नाम को, आपके एक्शंस को, आपके वर्ड्स को, आपकी हीलिंग्स को, आपकी पावर को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को यूज़ किया जा सके और उसके बाद में आपको ही वहाँ पे बाइंड या ब्लॉक करके रखा जा सके, आपको सिर्फ पपेट बना के रखा जा सके और साथ ही साथ आपके नाम के अंदर आपके नाम को यूज़ करके कोई ना कोई इलीगल काम भी किए जा सके। या फिर ये इन लोगों ने कर रखे हैं और वो इस चीज़ को अब आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी एनर्जीज में फंसाना चाहते हैं। तो आपको इन लोगों से दूर रहकर अपनी एनर्जीज को समझना होगा और अपने आपको हील करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सेकंड चैनल पे वीडियो आएगा, देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस।